सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल जंक्शन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए अपने आसपास के टेक्नोलॉजी को सबसे अच्छे से समझने के लिए। दोस्तों Xiaomi Play सीरीज ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ Xiaomi Mi Play स्मार्टफोन की रिव्यू। तो दोस्तों Mi Play इस स्मार्टफोन की कंप्लीट रिव्यू, क्या इस फोन में खास, आपको ये फोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, जानने के लिए आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और मैं आपसे इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहल, आप देख रहे हैं टेक्निकल जंक्शन। तो चलिए जानते हैं Mi Play स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों Mi Play जब अनाउंस किया गया था तो उस समय पर्सनली मुझे ये लगा था कि ये Xiaomi की तरफ से एक नया गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है, लेकिन ये Xiaomi की तरफ से एक नया गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है, ये एक नया बजट स्मार्टफोन होने वाला है। दोस्तों हालांकि आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि Mi Play में कुछ भी ज्यादा एक्साइटिंग है नहीं, क्योंकि जहां तक अभी तक हमने Xiaomi के बजट स्मार्टफोन को देखा है, चाहे बात वो Redmi Note 5 Pro की हो या फिर Redmi Note 7 की हो, तो वहां पे आपको कमाल के स्पेक्स देखने को मिलते हैं, लेकिन उन फोन की प्राइस बहुत ही कम होती है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करूं Mi Play की, तो Mi Play में ऐसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, Mi Play कई जगह आपको डिसअपॉइंट करता है। चलिए अभी के लिए बात करते हैं इस फोन की कैमरा क्वालिटी, फोन की बिल्ड क्वालिटी, फोन की डिजाइन, इसके प्रोसेसर और बाकी जो फीचर्स के बारे में थोड़े डिटेल में, जिन पे किसी भी स्मार्टफोन को जज किया जाता है। तो दोस्तों बात सबसे पहले इसकी डिजाइन और इसकी बिल्ड क्वालिटी की करते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि Mi Play कमाल की डिजाइन वाला एक फोन है। जहां पे अगर बात करूं इसके फिजिकल ओवरव्यू की, तो इस फोन में आपको ऊपर मिल जाता है एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक और 3.5 mm हेडफोन जैक। वहीं पे फोन में लेफ्ट साइड आपको मिल जाता है डेडिकेटेड सिम स्लॉट, राइट साइड आपको मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन, और फोन में नीचे आपको मिल जाता है एक माइक्रो USB पोर्ट, साथ में स्पीकर ग्रिल और प्राइमरी माइक। दोस्तों यहाँ पे शॉकिंग बात यह है कि Redmi Note 7 की अगर प्राइस की बात करूं तो वो Mi Play के प्राइस से कम है, लेकिन Redmi Note 7 में आपको लेटेस्ट USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, वहीं पे Mi Play में आपको आउटडेटेड माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। दोस्तों चलिए अगर बात करें इसके बैक डिजाइन की, तो पीछे इस फोन में आपको कमाल का ग्लॉसी फिनिश वाला डिजाइन देखने को मिलेगा, जहां पे हालांकि पीछे आपको ग्लास बैक देखने को नहीं मिलता है, पीछे का पूरा एरिया बना है प्लास्टिक से, लेकिन वहां पे आपको वो फील देता है ग्लास का, जहां पे जो कलर्स हैं वो बहुत ही फैंसी हैं और जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही कमाल की, और इसीलिए ये फोन आपको एक प्रीमियम फोन आपके हाथों को फील प्रोवाइड करेगा। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं Mi Play के डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों इस फोन में आपको मिल जाता है 5.84 इंच का फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले, जहां पे साइड में बेजल्स बहुत ही पतले और ऊपर आपको एक छोटा सा टियर ड्रॉप स्टाइल वाला नॉच देखने को मिलता है, जहां पे लगा इस फोन का फ्रंट फेसिंग कैमरा और वहीं पे है इस फोन का ईयरपीस। दोस्तों अगर डिस्प्ले रिजोल्यूशन की बात करूं तो यहाँ पे रिजोल्यूशन है 2280x1080 पिक्सल्स की, पिक्सल डेंसिटी है 432 ppi की, और जो यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो है वो है 19:9 की। दोस्तों अगर बात करो डिस्प्ले क्वालिटी की, तो फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन 432 ppi की पिक्सल डेंसिटी, मतलब साफ है कि आपको कमाल की डिस्प्ले मिलने वाली है, जहां पे आपको व्यूइंग एंगल्स कमाल के मिलेंगे, कलर्स आपको बहुत ही कमाल के मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगर बात करो यहाँ पे ओवरऑल इस फोन की डिजाइन और इसके डिस्प्ले की, तो डिजाइन बहुत ही कमाल है, डिस्प्ले बहुत ही कमाल है, लेकिन इन दोनों पॉजिटिव्स के अलावा आगे आपको इस फोन में कुछ ज्यादा पॉजिटिव्स देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों बात करें अगर यहाँ पे प्रोसेसर के, तो इस फोन में यूज किया गया है MediaTek के Helio P35 प्रोसेसर को, जो कि 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जहां पे मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की। दोस्तों इस ऑक्टाकोर प्रोसेसर को कपल किया गया 3 और 4 GB के रैम के साथ, और इसको पेयरअप किया गया PowerVR G8320 GPU के साथ। दोस्तों जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, तो हालांकि MediaTek Helio P35 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड प्रोसेसर है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस के मामले में MediaTek Helio P35 कहीं ना कहीं Snapdragon 660 से मिलों पीछे है। दोस्तों वहीं पे गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूं, तो गेमिंग में भी आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलेगा, जहां पे PUBG जैसे हाई एंड गेम्स यहां पे लोएस्ट ग्राफिक सेटिंग में ओपन होते हैं, लेकिन जब आप यहां पे PUBG या फिर स्पॉन लाइन लीजेंड जैसे गेम खोलोगे, तो वहां पे आपको खेलने में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला, आपको गेमिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल भी इस फोन में अच्छा नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करूं, चाहे वो गेमिंग परफॉर्मेंस हो चाहे वो एंड्रॉइड परफॉर्मेंस हो, तो वहां पे MediaTek Helio P35 कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करता है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इस फोन के कैमरा के बारे में। तो दोस्तों इस फोन में आपको मिल जाता है 12+2 megapixel का डुअल रियर कैमरा सेटअप, जहां पे अपर्चर है f2.2 की। दोस्तों अगर कैमरा क्वालिटी की बात करूं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कैमरा डिसेंट सा परफॉर्म करता है, कैमरा क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अगर यहाँ पे Redmi Note 7 के कैमरा को कंपेयर करें यहाँ पे Mi Play के कैमरा से, तो आप खुद ही देख सकते हो कि Redmi Note 7 का कैमरा कई मामलों में या फिर हर मामले में Mi Play के कैमरा को आउट परफॉर्म करता है। दोस्तों बात करोगे यहाँ पे सेल्फी कैमरा की, तो सामने इस फोन में आपको मिल जाता है 8 megapixel का एक फ्रंट कैमरा, जो कि डिसेंट सा परफॉर्म करता है, आपको सेल्फीज में अच्छा खासा डिटेल्स भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे बात करूं अगर दूसरे बाकी जो फीचर्स की, तो Mi Play रन करता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 9.0 पाई के ऊपर, जहां पे आपको MIUI 10.0 का स्किन देखने को मिलेगा। दोस्तों वहीं पे अगर बैटरी की बात करूं, तो इस फोन में आपको मिल जाता है 3000 mAh की एक बैटरी, जो कि अगेन फिर से डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि अगर बात करूं Xiaomi के पुराने फोन्स की, चाहे बात वो Redmi Note 5 Pro की हो, Redmi 6 Pro की हो, Redmi Note 7 की हो, तो वहां कम से कम आपको 4000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलता है,
लेकिन यहाँ पे मी प्ले के केस में आपको मात्र 3000 mAh की एक बैटरी देखने को मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है। दोस्तों अब बारी आती है कंक्लूजन की। तो दोस्तों कंक्लूजन में डायरेक्ट कंपेयर करते हैं Redmi Note 7 और मी प्ले को, जहां पे आप देख सकते हो कि Redmi Note 7 की प्राइस मी प्ले से कम है, लेकिन Redmi Note 7 आपको ज्यादा बड़ी बैटरी, USB Type-C पोर्ट, साथ में आपको अच्छे कैमरास प्रोवाइड करता है। हर मामले में Redmi Note 7 कहीं ना कहीं आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, ज्यादा अच्छा स्पेक्स प्रोवाइड करता है Mi Play के कंपैरिजन में। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन में अगर आप Mi Play खरीदने वाले थे या फिर खरीदने की सोच रहे थे, तो Mi Play आपके लिए एक अच्छा चॉइस नहीं है। ये आपके पैसे की आपको पूरी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा। और अगर आप कोई बजट स्मार्टफोन खरीदने वाले हो, तो आपके पास अभी Redmi Note 7 से ज्यादा अच्छा ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों ये था टेक्निकल जंक्शन की तरफ से Xiaomi के लेटेस्ट Mi Play की कंप्लीट रिव्यू। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक या फिर शेयर नहीं किया है, तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगर आपके मन में मेरे रिलेटेड, मेरे चैनल रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक्निकल जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए रोजाना लेके आता रहता हूं।